हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है ना हम जेई मेंस के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 2021 में अप्रैल में इवनिंग शिफ्ट में एक पेपर आया था जेई मेंस का, जिसके हम केमिस्ट्री में सेक्शन ए को कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे बोलो बच्चों? सेक्शन ए जो है उसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, क्या मेमोराइज बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर कॉन्सेप्चुअल, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या फिर कैलकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट थे। तो सेक्शन ए में जो था वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, मेमोराइज बेस्ड थे। लेकिन जब सेक्शन बी में आप जाएंगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, ऑलमोस्ट कंप्लीट न्यूमेरिकल्स थे, स्ट्रक्चरल बेस्ड थे, कैलकुलेशन बेस्ड थे। उन न्यूमेरिकल्स को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी सेक्शन ए को जो है, जिनके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, ऑर्गेनिक के, फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑर्गेनिक से पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम साल्ट। याद रखिएगा कि मोस्ट स्टेबल, एक बात मैं बताता हूं, यहां पे देखिए एक रिएक्शंस में आपको प्लॉट करके दिखाता हूं कि ये रहा रिएक्शन, कि अगर आप एल्काइल एमाइन को, यानी कि एमाइन को अगर आप ट्रीट करते हो HCl एसिड प्लस HNO2 से, तो ये क्या बनाएगा बोलो बच्चों? डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? Cl माइनस प्लस N प्लस। ये क्या है? मेरा डाइजोनियम सॉल्ट है। अगर 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप टेम्परेचर रखते हो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर आप टेम्परेचर रखते हो, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो स्टेबल रहेगा ये। लेकिन यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि वो किसके साथ सिर्फ फॉर्म करेगा? एमाइन के साथ ही फॉर्म करेगा डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन में जो है कि यहां पर आपको क्या मिलेगा कि पहले ऑप्शन में देखिए, ये भी मेरा क्या है? एमाइन है। यहां पर सेकेंडरी एमाइन है, यहां पर भी मेरा एमाइन है और यहां पर भी एमाइन है। याद रहे कि आपका जो एमाइन है वो जो है प्राइमरी एमाइन होना चाहिए, ना कि सेकेंडरी एमाइन। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो सेकेंडरी एमाइन है, ये तो मेरा डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और वो डाइजोनियम सॉल्ट किससे? HCl प्लस HNO2 से जब आप रिएक्ट करवाओगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, और वो CH3 CH2 CH2 एंड N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl माइनस, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। दूसरा क्या, अब अगर आप थर्ड के केस में देख लें तो थर्ड में भी एमाइन है, तो यहां पर भी आपका क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस और यहाँ पे सी एल माइनस, और यहां पर भी आपको सडनली क्या मिलेगा? डाइजोनियम सॉल्ट ही मिलेगा। तो मैं इसको आर लिख देता हूं और यहाँ पे एन प्लस एन सी एल माइनस। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने बोला है मोस्ट स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट, यहां पर भी स्टेबिलिटी में सिर्फ प्लस आई है यहां पर। लेकिन आप देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये क्या कर रहा है? रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो बच्चों? रेजोनेंस कर रहा है। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन होगा वो मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो रहा है। ठीक है, और यहां पर भी मेरा क्या है? प्लस आई है, तो रेजोनेंस ज्यादा इंपैक्ट करता है कंपेयर टू प्लस आई के। इसलिए इस क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशंस गिव द प्रशियन ब्लू कलर व्हेन एडेड टू। यहां पे देखिए फेरिक फेरोसाइनाइड जो है ना, इसका कलर क्या होता है? प्रशियन ब्लू कलर होता है। क्या होता है बोलो बच्चों? प्रशियन ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला हुआ है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड गिव प्रशियन ब्लू कलर व्हेन एडेड टू, यानी कि फेरी फेरोसाइनाइड। तो याद रखिएगा कि यहां पे इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है, तो मैं उसको बता देता हूं कि यहां पे पहले देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बोलो बच्चों? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो आपको याद होना चाहिए कि फेरिक फेरोसाइनाइड जो है ना, वो क्या करता है? वही प्रशियन ब्लू कलर देता है।
अगर आपको इतना याद है तो आसानी से आप कर जाओगे। यानी कि फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक याद रखिएगा, फेरिक यानी कि आयरन हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तो आप फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर ही दो, क्योंकि हम FeCl2 या FeCl3 को ही ऐड करने वाले हैं। अब इन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, फर्दर चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि आप चेक करेंगे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स पता होगा फेरिक फेरोसाइनाइड का, तो यहाँ पे आप देखिए, या फिर मैं आपको केमिकल रिएक्शंस ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए आप कि ये मेरा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6, समझ में आ रही है बात। और जब आप ऐड करोगे, सॉरी, 4 मोल, क्या 4 मोल ऑफ FeCl3, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो फेरिक फेरोसाइनाइड मिलेगा। Fe4 यहां पर क्या हो जाएगा, FeCN, सॉरी मैं इसको दोबारा प्लॉट करता हूं, CN6 का थ्रायस, समझ में आ रही है बात। ये जो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करता है इसको बोल देते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फेरिक फेरोसाइनाइड बोलते हैं। और इसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर होता है, बोलो बच्चों, प्रशियन ब्लू, प्रशियन ब्लू कलर होता है। तो अब यहां पे याद रखिए कि अब मैं आपको बताऊं, यहां से आप एक चीज कैलकुलेट करिए कि अगर ये K को हटाएंगे तो क्या बनेगा यहां पर, FeCN6, और कितने चार्ज आने वाला है, 4 माइनस चार्ज आने वाला है, ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, अब यहां पे आप देखोगे कि इस कॉम्प्लेक्स को अगर 4 है और जो प्रशियन ब्लू का कॉम्प्लेक्स है वो कितना हो गया, यहां पर आप देखेंगे कि 4 माइनस चार्ज है ना, तो उसी तरह से अब इस कॉम्प्लेक्स में आप देखिए प्रशियन ब्लू जो फेरी फेरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स है, ये 3 गुना है, याद रखिएगा कितना है, बोलो बच्चों, 3 गुना, तो यानी कि 12 चार्ज आएगा। तो इसलिए आपका जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, Fe3+ जो है उसका 4 टाइम होना चाहिए, याद रहे 4 टाइम आप करोगे तभी तो ये 12 नेगेटिव चार्ज आएगा, समझ में आ रही बात, 12 नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये Fe4 होता है यहाँ पर, ठीक है। या आप इसको, अगर आपको कॉम्प्लेक्स याद होगा तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो आपका थर्ड आंसर होगा, यहाँ पर ये जो आयरन है, याद रखिए ये जो आयरन है वो Fe3+ फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन ये मेंशन किया हुआ है कि आप यहां पर एरोमेटिसिटी बताइए, कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक इन नेचर है। यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, ये CH3 और ये भी मेरा क्या हो गया CH3, तो ये मेरा नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, क्या होगा बोलो बच्चों, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जब ये नॉन प्लेनर है, एरोमेटिसिटी की कंडीशन क्या होती है, प्लेनर होना चाहिए, तो जब ये नॉन प्लेनर है इसका मतलब क्या हो गया कि ये नॉन एरोमेटिक। अब इसमें आ जाइए, यहां पे आप देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4n π इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, और हकल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर 4n π इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा बोलो बच्चों, एंटी एरोमेटिक, वो क्या होगा बोलो बच्चों, एंटी एरोमेटिक ना कि एरोमेटिक। यहां पर भी सेम 4n π रूल फॉलो कर रहा है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन को आप ड्रॉ कर लो तो इसका भी क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2, और बाकी सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और ये जो निगेटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कहां पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कहां पार्टिसिपेट करेगा बोलो बच्चों, रेजोनेंस में। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6π इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो 6π इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी आती है इसको कौन से कैटेगरी में बोलते हैं, 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या कर रहा है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, हकल्स रूल, ठीक है, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, यानी कि ये मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया, क्या आ गया बोलो बच्चों, एरोमेटिक।
यानी कि जो आपका राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, वो सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इन्होंने बोला हुआ है कि मोनोमर यूनिट ऑफ डैक्रॉन एंड पॉलीमर, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो पॉलीमर अच्छे से आपने पढ़ा हो तो आसानी से कर लोगे। इसमें क्या होता है, थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड जो है वो मेरा इसका राइट आंसर है। चलिए इसके इसके स्ट्रक्चर को मोनोमर की बात करते हैं, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एथिलीन ग्लाइकॉल। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इस क्वेश्चन में आप देखोगे एथिलीन ग्लाइकॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, अल्कोहल ग्रुप CH2 एंड OH, ये मेरा एथिलीन ग्लाइकॉल है। टेरीफेथैलिक एसिड की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए, टेरीफेथैलिक एसिड, टेरीफेथैलिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इसमें मोनोमर जो यूनिट होती है वो आप देखोगे तो ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं और उनका जो पोजीशन होता है पैरा पोजीशन होता है। तो ये दो मेरे मोनोमर हैं जो कि आपको याद होने चाहिए थे, ये दोनों ही डैक्रॉन पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं जब मल्टीपल टाइम्स कंबाइन करते हैं तो, या पॉलीमराइज होते हैं तो इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे जब आप देखोगे तो आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगी कि नंबर, कि यहां पर जो नंबर ऑफ द पैरा मैग्नेटिक ऑक्साइड्स अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑक्साइड इज, कि ये जो मेटल्स के ऑक्साइड दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा हुआ कि कौन सा पैरा मैग्नेटिक होगा और कौन सा डाया मैग्नेटिक होगा। चलिए मैं एक चीज बहुत क्लियरली मेंशन करता हूं, आपको बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पर देखिए LiO2, ये जो है एग्जाम्पल में आप देखोगे तो ऑक्सीजन 2- होगा, यहाँ पर कैल्शियम में आ जाइए ये भी O2 2- होगा, यहाँ पर आ जाइए मैग्नीशियम में ये भी मेरा क्या हो जाएगा O2 2- होगा, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन में आप आ जाइए तो ये चारों जो ऑक्साइड्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, O2 2-। याद रखिए अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करूं ऑक्सीजन का, ये रहा मेरा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8 है, तो आप जब ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2s2 and 2p, कितना होगा बोलो बच्चों, 4। ठीक है, तो अब एक बात बताइए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, और वो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आ जा रहा है, तो अब जो होगा O2- का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 and 2p6, यहाँ पे आप देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि क्या हो गया बोलो बच्चों, कंप्लीट ऑक्टेट होगा। अब यहाँ पे आप देखिए अगर कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका क्या कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं ये मेरे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक, क्या होंगे बोलो बच्चों, ये सभी के सभी क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। अब बच गया यहां पर आप देखिए एक ऑप्शन ये वाला कि यहां पर जो है O2- है, और यहां पर भी आप एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, ये मेरा O2 2- है, ये मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो मैंने यहां पर मॉलिकुलर डायग्राम जो है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम मैंने पहले से ही प्लॉट कर रखा है। इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 8 2 16 और 2-, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 18, और यहाँ पर 1- है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो बच्चों, 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए मैंने मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पहले से ही फॉलो कर बना रखा है, तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन फील करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ बच्चों, पहले हम लोग 17 वाले को चेक करते, तो देखिए 17 इलेक्ट्रॉन फील करिए, 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पर 1 2, ये टोटल 4 and 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 है, तो अभी 9 इलेक्ट्रॉन और फील करना होगा तभी कंप्लीट पूरे के पूरे 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे फील करिए 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, यानी कि 4 5 6 7 8 and 9। देखिए मैंने O2- के केस में मैंने 9 इलेक्ट्रॉन यानी कि पूरे 17 इलेक्ट्रॉन फील किया, तो उस केस में आप देखोगे कि क्या मिल रहा है, 1 unpaired इलेक्ट्रॉन, क्या 1 unpaired इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो K2O है, यहां पे आप देखिए
के सॉरी के टू जो है के ओ टू जो है ये मेरा कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। बोले बच्चों कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन फील करना है तो हमने 17 तो फील कर लिया, जब मैं 18 फील करूंगा तो ये वाला जो O2 2 माइनस है, अब यहां पे क्या चेक करिए कहीं भी पूरे स्ट्रक्चर में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि O2 2 माइनस भी जो है ये भी मेरा क्या हो गया O2 2 माइनस भी मेरा क्या हो गया डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा बोलो बच्चों डायमैग्नेटिक होगा। इसलिए इसमें जब आप राइट आंसर चेक करोगे तो सिर्फ एक ही कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक है, तो इसलिए मेरा जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर एक्सपेरिमेंटली रिड्यूसिंग फंक्शनल ग्रुप कैन नॉट बी डन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट्स दिए हुए हैं, तो ये भी मेरा रिड्यूसिंग एजेंट जो है जिंक केस टू, ये भी रिड्यूसिंग की तरह काम करता है। प्लैटिनम में आपने देखा ही होगा ये भी, एंड थर्ड ऑप्शन, लेकिन ये वाला जो है फोर्थ ऑप्शन है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब हाइड्रोजन लेंगे तो काम नहीं करेगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा वो राइट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। बिना समझे अगर रीएजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप थोड़े बहुत डिफिकल्टी में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पहला मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है उसको हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया तो कंपाउंड क्या बना बी, और बी का फर्दर हमने ऑक्सीडेशन किया हुआ है तो यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि फोर कार्बन की चेन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन रही है, क्या बन रही है, तो ए क्या होगा। अब ए हमारे पास चार ऑप्शन है, एक तो ये, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, समझ में आ रही है बात। तो एक काम करिए, सबसे पहले तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं कि वो क्या है। यहां पे आप देखोगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना उसके बारे में वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, आप साइड में देख लीजिए मैंने पहले से, और ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप के, जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड, एस्टर या कार्बोक्सिलेट आयन, इन सबको क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है कैन नॉट रिड्यूस ईथर, याद रखिएगा क्या करेगा वो, ईथर को कभी रिड्यूस नहीं कर पाएगा बिकॉज LiAlH लेस सॉल्युबल इन ईथर। एक तो क्या है ये बहुत कम सॉल्युबल है, अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं CH3O और CH3, और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो भी हाइड्राइड शिफ्ट करता है, तो अब ये दो न्यूक्लियोफाइल है, एक तो ईथर का ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल है, अब वो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे कभी अटैक नहीं कर सकता, तो क्या ये रिड्यूस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक लगाओ तो आपको यहां पे देखोगे कि जो ए कंपाउंड है, याद रखिएगा जो ए कंपाउंड है वो क्या होगा, पहले वाले में आप देखेंगे कि यहां पर ये ईथर है, और सेकेंड ऑप्शन में भी आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, ये ईथर है, यानी कि यहां पर ये दोनों केस तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्या करिए एलिमिनेट, यानी कि पहला ऑप्शन तो आपका और दूसरा ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि ईथर ए कंपाउंड जो है वो LiAlH4 यानी कि ईथर है पहले दूसरे में, तो LiAlH4 उनको रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, तो बी फॉर्म होने का चांस नहीं है, पहली बात तो आपने एलिमिनेट कर दिया। अब बात करते हैं कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में चेक करिए, कौन सा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आपको एक चीज ध्यान में देने का कि यहां पे ध्यान दीजिए कि उन्होंने मेंशन किया हुआ कि चार कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगी। ठीक है, तो यहां पे आप एक बात बताइए कि मैं इन दोनों एग्जांपल्स को मैं ध्यान से बारी बारी से सॉल्व करता हूं, क्योंकि ये भी मेरा कार्बोक्सिलिक सॉरी एस्टर है और ये भी मेरा एस्टर है, तो अब इन दोनों को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस करेगा। तो अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, पहले तो मैं थर्ड ऑप्शन में देखता हूं, थर्ड ऑप्शन में चेक करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे देखिए कि CH3 CH2 CH2 और यहां पर जो है CO एंड यहां पर जो है CH2 एंड CH3। यहां पर एक बात बताइए, क्या ये LiAlH4 यूज करूं तो ये क्या होगा, इस वाले पूरे फंक्शनल को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देगा बताओ बच्चों, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो अब अगला जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला है वो मैं
ड्रॉ करूंगा तो वो ये बनेगा। यहां पे देखिए CH3 CH2 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 OH। ये जो कार्बोक्सिलिक या एस्टर ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप था उसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात बताइए कि यहां पर आप देखोगे तो कितने कार्बन का, 4 कार्बन की एल्कोहल बना है कि नहीं बना, ऑफ कोर्स बना हुआ है। और जब आप देखोगे कि बी, ये मेरा क्या है बोलो बच्चों, बी है। और बी का फर्दर हमने क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन एड होगा तो ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ये जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब बताइए क्या ये 4 कार्बन की कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं। तो इसलिए मेरा जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो मेरा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो आप अगर एलिमिनेशन मेथड से जाएंगे तो काम बन जाएगा। यहां पर आप शॉर्टकट भी देख सकते थे कि अगर यहां से ये हाइड्रोलिसिस होता तो 3 कार्बन का एल्कोहल बनता जो कि फिर 4 कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज बहुत स्मार्ट, ये मेरा एक वाटर सैंपल, वाटर सैंपल इज कॉल्ड क्लीन ऑन द बेसिस ऑफ विच वन ऑफ द बीओडी वैल्यू आर गिवन, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही, ये शायद इस चैप्टर में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले से बना रखा है, ये टाइप ऑफ वाटर है और बीओडी वैल्यू है। अगर क्लीनेस्ट वाटर है, बहुत क्लीन वाटर है, तो उस केस में जो आपकी बीओडी वैल्यू होगी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा वो क्या हो जाएगा मेरा, 3 ppm होगा या उसे कम होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में जाइए, अगर क्लीन वाटर है, एक बात बताइए क्या होगा बोलो बच्चों, क्लीन वाटर है तो उसका जो ppm वैल्यू होगा नियर अबाउट 5 या मोर देन, थोड़ा उससे क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन में आइए, हाईली पॉल्यूटेड वाटर है, क्या हाईली पॉल्यूटेड वाटर, तो उसका ppm वैल्यू जो होगा ना, बीओडी वैल्यू, वो मोर देन 17 या 17 के अराउंड होगा। तो यहां पर आप देखोगे तो इन्होंने बोला हुआ है कि क्लीनेस्ट वाटर की, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 ppm होगा। तो इसमें आप जब आप चेक करोगे तो राइट आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, चलिए 3 ppm। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर, आपको एक चीज देखना है क्वेश्चन नंबर 9 में कि आइडेंटिफाई ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर दूं कि जब मैं एनिलीन का पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो आपको क्या मिलता है, याद रखिए पैराबेंजोक्विनोन, क्या मिलता है आपको, पैराबेंजोक्विनोन, पैराबेंजोक्यू। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इनकी मैकेनिज्म बहुत डिफिकल्ट होती है और हमारे सिलेबस में होता नहीं, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछ लिया है। ठीक है, चलिए हम 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 रिएक्शन है और दोनों रिएक्शन अगर आपको आती है तो, और ये भी कार्बोनिल कंपाउंड से पूछा हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड पर जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, इनको आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड में, कि द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और एल्डिहाइड कीटोन इन्वॉल्व द प्रोटॉन ट्रांसफर फॉर द स्टेबल आयन, एक तो ये, और स्टेटमेंट सेकेंड में देखिए, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड और कीटोन गिव द एमाइन फाइनल प्रोडक्ट। स्टेटमेंट सेकेंड पे आप फोकस करिएगा, इन्होंने बोला हुआ है कि देखो भाई मेरे पास एक जो है कार्बोनिल कंपाउंड है, क्या है बोलो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड है, और उस कार्बोनिल कंपाउंड पर हमने किसका एडिशन करवाया हुआ है, हाइड्रोजन साइनाइड का। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड का, जैसे हमने हाइड्रोजन जो है ये साइनाइड का एडिशन करवाया और वो प्रेजेंस की बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोनिल के इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये रहा आर आर, और यहाँ पर जो है O माइनस और यहाँ पर Cl, और अगले स्टेप में आप क्या कर दोगे, प्रोटोनेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिएक्शंस देखिए आप, OH और यहाँ पर Cl, क्या यहाँ पर कहीं एमाइन प्रोडक्ट आपको मिल रहा है क्या, एमाइन कहीं से दूर दूर तक नहीं एमाइन लग रही, नहीं है, ये क्या है मेरा साइनोहाइड्रिन प्रोडक्ट, क्या है
साइनोहाइड्रिन। तो यानी कि आपका जो स्टेटमेंट जो है, याद रखिए क्या स्टेटमेंट जो है सेकेंड जो है वो रॉन्ग है, क्या है फॉल्स। स्टेटमेंट जो सेकेंड है वो क्या है मेरा, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैं बताता हूं स्टेटमेंट फर्स्ट में आ जाइए। तो इन्होंने बोला हुआ है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है एल्डिहाइड या कीटोन पर होगा। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसको भी इरेज करता हूं और सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का मैं काम करता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं एक काम करता हूं, फिर से करता हूं, RCOR ये मेरा कीटोन है और यहां पर NaHSO4। ठीक है, यहां से जो मेरा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है वो न्यूक्लियोफाइल जो होता है HSO4- जो है वो किस पे अटैक करता है, कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये पाई बॉन्ड जो होगा क्या होगा, ऑक्सीजन की तरह ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वीक बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या मिलेगा आपको, R R, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका मैं स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा, एक सेकेंड, स्पेस नहीं है तो मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये मेरा R, ये भी मेरा R, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन हो जाएगा S, यहाँ पर जो होगा O, ये मेरा कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये सल्फर ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन। यहाँ पे आप, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है ना इंटरनल प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। ये देखिए एक एनायन जनरेट हुआ, निगेटिव आयन। अब ये निगेटिव आयन क्या है, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज किसके थ्रू हो रहा है, ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। तो आप स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करिए, R R, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ओ माइनस आ गया। अब ये हाइड्रोजन जो है, सॉरी ऑक्सीजन जो था वो एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये किसके थ्रू स्टेबलाइज हुआ है, ये नेगेटिव आयन हाइड्रोजन ट्रांसफर के थ्रू, हाइड्रोजन ट्रांसफर के थ्रू क्या हो गया, स्टेबलाइज हुआ। तो आप देखोगे कि इन्होंने क्या बोला हुआ है कि द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मैं कलर चेंज करता हूं पेन का, यहां पर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड कीटोन्स इन्वॉल्व द प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म स्टेबल आयन। बताइए यहां पर क्या प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ था कि नहीं हुआ था, निगेटिव ऑक्सीजन के निगेटिव आयन को स्टेबलाइज करने के लिए हुआ ही था। तो यानी कि जो स्टेटमेंट जो है आप याद रखिए, नोट करिए, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्या है मेरा, ट्रू, क्या है ट्रू। तो यहाँ पे चेक करिए, स्टेटमेंट सेकेंड जो है फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो फॉल्स है, और यहाँ पर भी स्टेटमेंट सेकेंड जो है वो फॉल्स है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में आप चेक करोगे तो जो स्टेटमेंट होगा वो मेरा ट्रू है। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब बचा क्या, ध्यान दीजिए बचा क्या, फोर्थ और फर्स्ट में। तो एक बात बताइए क्या स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वो ट्रू है ना। तो यहाँ पे देखिए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि फॉल्स है लेकिन वो ट्रू है, तो ये भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ पे चेक करिए स्टेटमेंट फर्स्ट भी ट्रू है और स्टेटमेंट सेकेंड जो है मेरा फॉल्स है, तो ये मेरे हिसाब से क्या है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में आपको मैकेनिज्म नहीं पता तो आप इस सॉल्व नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं गलतियाँ कर बैठोगे। सो आप मैकेनिज्म को ड्रॉ करिए, कई बार ड्रॉ करिए और उसके बारीकियों को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इसको अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एक बात बताइए, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हाइड्रोलिसिस का दिया हुआ है। एक बात बताइए हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, कि रिएक्शन विद द वाटर, क्या रिएक्शन विद वाटर। एक बात बताइए यहाँ पर चेक करिए, फोर्थ में FeCl3 और वाटर है, क्या ये एक दूसरे से क्या हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, यानी कि ए का तो फोर्थ ऑप्शन डन है।
ये तो डन है, इसको कोई चेंज नहीं करने वाला है। तो एक बात बताइए, ए का फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? ए का जो फोर्थ ऑप्शन है वो सेकेंड में है और फोर्थ में है, यानी कि ये पहला और तीसरा ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहला और तीसरा ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया, इनको कट ही कर दो, इनसे कोई मतलब हमारा नहीं है। अब चेक करना है, सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया, इनको कट कर दो। बचा क्या? सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में आपको देखना है। तो यहां पे एक बात बताइए, अगर आपको याद हो, क्या अगर आपको याद हो तो As2O3, यहां पे मैंने पहले ही बना रखा है, As2O3 का जब आप रिएक्शंस करवाते हो ना H2S से, तो ये एक बार में जो है As2O3 में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ये मल्टीपल स्टेप में कई बार ब्रेक होके या मैकेनिज्म होती है और As2O3 में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि ये जो मेथड था, इसको हम बोलते थे डबल डिकम्पोजिशन। आप एक बार याद करिए, कोलॉइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन में, केमिकल प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन डबल डिकम्पोजिशन जो है वो सेकेंड में आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब देखिए कि बी का सेकेंड, सॉरी कहां गया, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं, As2O3 डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो डी जो है मेरा वो कौन सा हो गया, मेरा डबल डिकम्पोजिशन, यानी कि जब आप यहां पे देखोगे तो इसका जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए हम सी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं एक बार। सी ऑप्शन कहां दिया हुआ है, बी, यहां पर जो है बी ऑप्शन जो है मेरा रिडक्शन का आ रहा है। तो रिडक्शन में कौन सा है, AuCl3 और फॉर्मेल्डिहाइड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, गोल्ड सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है, गोल्ड सॉल्ट। ये रिएक्शन देखिए मैंने पहले से ही प्लॉट कर रखा है। तो यहां पर आप जब देखोगे तो AuCl3 यानी कि C का जो है वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। हाँ, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर आप देखिए कि मेरा जो है ना ए का जो है वो मेरा फोर्थ आ रहा है। तो आप यहां पे चेक करिए, ए का फोर्थ हो गया, ये वाला ए का फोर्थ हो गया। और जब आप अगला चेक करोगे तो यहां पर जो है मैंने बोला डी का डबल डिकम्पोजिशन का, डी का जो है वो मेरा सेकेंड आ रहा है। तो अब यहां पर आप चेक करोगे ना कि यहां पर देखिए ए का फोर्थ, तो यहां पर भी ए का फोर्थ है, तो आपको आगे जाना पड़ेगा, डी में चेक करिए। यहां पर सी भी थर्ड है और सी भी थर्ड है, तो इसको हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि सेम ही आ रहा है। अब डी को चेक करिए, तो यहां पर जब डबल डिकम्पोजिशन देखोगे ना आप, तो डी का मेरा क्या सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इनमें सेकेंड ऑप्शन कौन सा है, डी का सेकेंड जो है वह सेकेंड ऑप्शन में है। तो जो मेरा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बोलो बच्चों, सेकेंड वाला जो है वो मेरा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, द ऑक्साइड्स विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, इनमें कौन सा ऑक्साइड जो है वो विदाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो मैं एक एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि N2O4 जो है, यहां पर जो है N2O4 का जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये मेरा नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी सेम पैटर्न होगा, कॉपी स्ट्रक्चर होगा। ये यहाँ पर भी एक बॉन्ड है, आप ये देखिए N2O में देखिए, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है वो होगा ही होगा, क्योंकि ये मेरा नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, ये स्ट्रक्चर हो गया। और थर्ड ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2O5, इसका स्ट्रक्चर आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जो थर्ड ऑप्शन है, इस स्ट्रक्चर को जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा कि थर्ड ऑप्शन में जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। कैलामाइन एंड मेलाकाइट रिस्पेक्टिवली द ओर्स ऑफ, यहां पे याद रखिएगा ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मेटलर्जी से ओर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैलामाइन और मेलाकाइट मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, यहां पे आप देखिए कि एक तो कैलामाइन और दूसरा मेरा क्या है मेलाकाइट, ये दोनों ओर से, कौन से मेटल्स के ओर है। यहां पर देखिए कैलामाइन जो है वो जिंक कार्बोनेट है, दोनों कार्बोनेटेड ओर ही है, और यहां पर जो है मेलाकाइट जो है वो कार्बन ओर है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, कॉपर मेटल ओर, क्या हो गया,
कॉपर मेटल और दूसरा क्या है, कैलामाइन जो है वो जिंक मेटल का ओर है, जिंक मेटल, किसका, जिंक मेटल, जिंक कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट। तो यहां पे आप देखेंगे कि पहले ऑप्शन में क्या है मेरा, कैलामाइन जिंक, और दूसरा क्या है, कॉपर मेटल। तो आप यहां पे देखिए जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, जिंक और कॉपर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए कि एक रेडॉक्स रिएक्शन दी हुई है, ध्यान दीजिएगा क्या दी हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन। इन द गिवन केमिकल रिएक्शंस कलर ऑफ द Fe2+, याद रखिए Fe2+ और Fe3+ आयन आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्या है, Fe2 से ये Fe3 में क्या हो रहा है, MnO4- के थ्रू क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका कलर क्या है, तो Fe2+ का क्या कलर होगा और Fe3+ का क्या कलर होगा। मैं आपको एक चीज रिवाइज करवाता हूं, शायद आपको याद हो तो, देखिए FeSO4 को जब आप डिसॉल्व करते हो तो कौन सा कलर आता है, ग्रीन कलर। यानी कि यहां पर FeSO4 में ये कौन से फॉर्म में, Fe2+ में। और आपने कभी लैब में काम किया हो तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन या FeCl3 का जो सॉल्यूशन आप बना देते तो उसमें जो कलर होता था ना, जब वाटर ऐड कर देते तो क्या हो जाता था, ब्राउन येलो कलर। यानी कि यहां से वो कौन सा कलर आएगा, येलो कलर, ठीक है। तो Fe2 और Fe3 में ग्रीन और येलो आएगा। यानी कि देखिए अगर आपको पता होगा तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, अगर ग्रीन किसी एक का भी पता है, Fe2+ का भी पता है कलर, तो आप दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट आसानी से कर दोगे। अब बात रही यहां पर, तो जो आपको ऑप्शन जो है वो ग्रीन येलो, फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 16 क्वेश्चंस। यहां पे इन्होंने बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आर्गन 3d5 बोला हुआ है। यानी कि रुथेनियम तो आएगा ही नहीं, आर्गन के पास नहीं आता है, वो 4d में आता है, ठीक है। तो अब बताइए क्या ये 4d का ऑप्शन आएगा क्या, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए इसको ऐसे ही, ठीक है। अब बचा मैग्नीज, कोबाल्ट एंड आयरन, इन तीन ऑप्शन में, क्योंकि ये तीनों 3D सीरीज में है, तो रुथेनियम को यहाँ से आप एलिमिनेट कर दो। इन्होंने बोला हुआ है कि 3D5 होना चाहिए और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, +3। एक बात बताइए, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन्स Mn3+ आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 3D4। क्या ये इस कैटेगरी में आ रहा है, मैग्नीज भी नहीं। कोबाल्ट में आ जाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट का जब आप चेक करोगे 9 इलेक्ट्रॉन्स, तो जब कोबाल्ट 3+ करोगे तो क्या आएगा, 3D6, लेकिन होना क्या चाहिए, 3D5। समझ में आ रही है बात। तो आखिरी ऑप्शन पे देखिए, आयरन के केस में जब आप चेक करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, आयरन का जब आप सॉरी यहाँ पर जो है Fe3+ आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, तो क्या हो जाएगा, 3D5। और ये आर्गन कॉन्फिग्रेशन डन करता है, यानी कि जो ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन जो होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आपके पास, जैसे कि ये वैनेडियम दिया हुआ है, Cobalt 2+, Chromium 3+ एंड मैग्नीज जो है वो 4+ दिया हुआ है। एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। स्पिन ओनली के लिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट है तो किसी कंपाउंड में, मान लेते हो कि एक कंपाउंड ए है, तो उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, तो उसका जो BM आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट 1 point something आएगा। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 2 point something आएगा। अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 3 point something। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4 point something। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, बोलो बच्चों, 5 point something। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। एक बात बताइए आप मुझे, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें चेक करोगे तो इन्होंने जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है बोर मैग्नेट्रॉन, वो कितना दिया हुआ है, 3.87। क्या दिया हुआ है, 3.87। यानी कि यहाँ पे देखिए, बोर मैग्नेट्रॉन जो है 3.87 है। यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ बच्चों, 3। कितने होंगे, 3। अब चेक करिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ देखिए, वैनेडियम
वेनेडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब प्लॉट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम एंड वेनेडियम, तो क्या हो जाएगा 3d3 4s 2। ठीक है, तो जब आप वेनेडियम 3 प्लस करोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बताइए, 3d2, यानी कि इसमें तो 3 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया बोर मैग्नेटॉन के वैल्यू से। ठीक है, लेकिन जब आप कोबाल्ट में ड्रॉ करोगे, क्या करोगे, कोबाल्ट में ड्रॉ करोगे, और ये याद रहे कि ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, और उसका जो CFSC वैल्यू दी हुई है 0.8 दी हुई है, माइनस में दी हुई है। तो अब यहाँ पे कोबाल्ट में जब आप ड्रॉ करोगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d7, क्या होगा, 3d7 एंड 4s2, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 3d7। ठीक है, क्रोमियम में आप देख लीजिए तो 3d क्या हो जाएगा मेरा, 5, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d5 4s1, लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन में बचेगा क्या, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3d3 बचेगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, ये क्या हो गया 3d3। और मैग्नीज में भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 एंड 4s2, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, सॉरी हाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो बचेगा कितना 3d3, कितना बचेगा बोलो बच्चों, 3d3। लेकिन अब इनमें आपको चेक क्या करना है कि देखिए इसमें भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस ऑप्शन में भी कितने होंगे, Cr3 के प्लस भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीज में भी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, तो इनका बोर मैग्नेटॉन वैल्यू तो 3.8 समथिंग आने ही वाला है। लेकिन एक चीज आपको यह ध्यान देना है कि इसकी जो CFSC वैल्यू है, CFSC वैल्यू, ये वाली वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं, कौन सी वैल्यू बोलो बच्चों, CFSC वैल्यू, ये वाली वैल्यू जब आप देखोगे तो ये क्या होगा, -0.8, समझ में आ रही है बात। तो अब इसके लिए मैं ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट में जब आप ड्रॉ करोगे ना तो आप सबसे पहले तो मैं क्रोमियम का ड्रॉ करता हूं, तो यहां पे देखिए क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पे ये 1, 2 एंड 3, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो मेरा है TeG ऑर्बिटल ऊपर होता है, क्या होता है ऊपर, और T2G है वो नीचे होता है। अब आप फील करिए तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले क्रोमियम का फील करते हैं और मैग्नीज का, क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप फील करिए, तो जब CFSC आप कैलकुलेट करोगे तो -1.2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा माइनस, अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, 0.4 और यहां पर 0.6, या फिर 6 कर सकते हो या 4 भी कर सकते हो, एग्जैक्टली। तो अब देखिए एक का अगर 0.4 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा, 0.4 × 3, और ये माइनस में वैल्यू है तो क्या हो जाएगा 1.2 dq। अब बताइए इन दोनों की जो CFSC वैल्यू आ रही है 1.2 dq आ रही है, यहाँ पर भी 1.2 dq आ रही है, लेकिन जब आप कोबाल्ट में 7 इलेक्ट्रॉन जब आप फील करोगे तो यहाँ पे जो dq वैल्यू आएगी, 7 इलेक्ट्रॉन आप फील करिए तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर सॉरी ऐसे इलेक्ट्रॉन फील नहीं करेंगे हम लोग, कैसे फील करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताइए, जब हमने 7 इलेक्ट्रॉन फील किया तो यहाँ पे अब जब मैं इनकी इनका CFSC कैलकुलेट करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, कि यहाँ पे देखिए इसमें CFSC वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.4 × -0.4 × कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, और माइनस इसमें से जब आप घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू जो होगा, 2 × 0.6, तो ये कितना हो गया, -0.20, माइनस यहाँ पे क्या हो गया 1.2, तो बचा कितना, -0.8 dq वैल्यू। अब एक बात बताइए, कोबाल्ट के केस में जो आपकी dq वैल्यू आ रही है वो -0.8 CFSC आ रही है, समझ में आ रही है बात, यानी कि यहाँ पे देखिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है और जो CFSC वैल्यू है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो -8 आ रही है, सॉरी माइनस जो है 0.8 आ रहा है, तो यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है 19th क्वेश्चन में, इन्होंने बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ग्राफ्स रिप्रेजेंट द वेरियस रेट कॉन्स्टेंट,
ठीक है, विद द टेम्परेचर क्या रखिए, और वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। शर्त क्या है, एंडोथर्मिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना हम ग्राफ के नेचर को ही देख के ना हम ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं, बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। तो एक सवाल है आपसे कि जो मेरा रेट कॉन्स्टेंट, जैसे कि टेम्परेचर, रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर किस इक्वेशन में आता है, अरहेनियस इक्वेशन में। तो अरहेनियस इक्वेशन को मैं प्लॉट किया और बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं बोलूँ वाई इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स के, जो ग्राफ का नेचर कैसा होता है बताओ बच्चों, नेचर कैसा होता है उसका, ऐसे नेचर होता है। कैसे होता है, ऐसे। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। और उसके साथ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप देखिए के बराबर ए ई रेस टू द पावर माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। एक बात बताइए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो, के साथ साथ अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर है ये क्या है मेरा, डिनोमिनेटर जो है, सॉरी मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये मेरा क्या है, जो डिनोमिनेटर है टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, क्या करोगे, ये मेरा रेट कांस्टेंट और ये टेम्परेचर। जैसे डिनोमिनेटर आप इंक्रीज करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, नेगेटिव क्वांटिटी में, नंबर्स में छोटी होगी लेकिन नेगेटिव वैल्यू है। जैसे जैसे छोटा होगा तो ई रेस टू द पावर एक्स की जो पूरी वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये मेरा, ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या होता रहेगा मेरा, टेम्परेचर। जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और एक्सपोनेंशियली इस रेंज में बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप कौन सा नेचर आ जाएगा, ये वाला नेचर, क्योंकि वैल्यू मेरी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है। तो आप इसमें ऑप्शन चेंज कर चेक करेंगे तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट होगा, क्योंकि इसका ग्राफ का नेचर क्या है, ऐसा है। ठीक है, चलिए हम अब 20th क्वेश्चंस की बात करते हैं। 20 क्वेश्चंस में ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है, आप रेडॉक्स रिएक्शंस के रिएक्शंस को पढ़े हो तो आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्ट विद द आयोडीन इन बेसिक मीडियम। ठीक है, एक बात बताइए, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है आयोडीन से रिएक्ट करता है बेसिक मीडियम में, तो क्या रिएक्शन देता है, यहाँ पे 2I+O2+2H2O। यहाँ पे देखिए जो आयोडीन है वो जीरो से कहाँ चला गया, -1 में, इसका एक यूनिट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, समझ में आ रही है बात, सॉरी डिक्रीज हुआ। और यहाँ पर आप देखोगे कि ऑक्सीजन जो है वो -1 से कहाँ चला गया, जीरो में, तो यहाँ पे एक यूनिट का क्या हो गया, इंक्रीजेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और आयोडीन का क्या हो गया, मेरा रिडक्शन हो गया। तो आप जब रिएक्शंस को, अगर आपको रिएक्शन याद है तो क्या फॉर्म करता है, I- फॉर्म करता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।